आतंक के खिलाफ बेहद जरूरत है एकता की, जो देश की ताकत है। अगर आपको रत्ती भर भी ऐसा लगता है कि आंख के बदले आंख से आतंक का कांटा निकाला जा सकता है, और अगर आपको इंच मात्र भी ऐसा लगता है कि प्रवीण तोगड़िया के अतिवाद से दहशत का जहर नष्ट किया जा सकता है, तो आपके लिए ये तस्वीर देखना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में आसमान को छूते धुएं को देखिए और करीब जाकर खंडहर हो चुके अब पूरे शहर को देखिए। दूर दूर तक मिट्टी मिट्टी हो चुकी इमारतों को देखिए। ये इराक का शहर मोसुल है, जहां तीन साल बाद आतंकी संगठन आईएसआईएस का सफाया हुआ तो इराक का झंडा जरूर लहराने लगा, लेकिन जान लीजिए आंख के बदले आंख के सिद्धांत से एक पूरा शहर खत्म नजर आता है। आप फिर कहेंगे, अरे भाई अगर ऐसा है तो भारत में पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद का अंत कैसे होगा? तो मिलिए राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर से। राजीव चंद्रशेखर जो पाकिस्तानी आतंकवाद को खत्म करने के लिए संसद में प्राइवेट मेंबर बिल पहले ही ला चुके हैं, इनकी मांग है कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाए। राजीव एक बार फिर अपनी मांग संसद में उठाने जा रहे हैं। सरकार ने एक पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे दिया था कि उनको ये लॉ की जरूरत नहीं है, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं कि पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करें, तो इसीलिए मैंने वो प्राइवेट मेंबर्स बिल को विड्रॉ करके 28 जुलाई को मैं एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जो रेजोल्यूशन पार्लियामेंटेरियंस और एमपीज मिलकर रिजॉल्व करेंगे कि पाकिस्तान को टेररिस्ट डिक्लेयर करें, और उस रेजोल्यूशन के बाद मुझे लगता है सरकार एक तरफ से पार्लियामेंट का एक आवाज सुनकर स्टेप्स लेंगे पाकिस्तान को टेररिस्ट डिक्लेयर करने, ये मेरा एक उम्मीद है। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाएगा तो क्या होगा, अब ये समझिए। दुनिया में इस वक्त तीन देश आतंकी देश घोषित हैं, ईरान, सूडान और सीरिया। प्रतिबंध की वजह से इन देशों से आयात और निर्यात पर कड़ी पाबंदियां हैं, कई तरह के कड़े आर्थिक प्रतिबंध हैं। वर्ल्ड बैंक और दूसरे बड़े आर्थिक संस्थानों से कर्ज नहीं मिलता और ऐसे देशों के नागरिकों को वीजा मिलना मुश्किल हो जाता है। सोचिए इसी तरीके से पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद की कमर कैसे भारत तोड़ सकता है। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है कि देश संयम के साथ आतंक के खिलाफ एकता के सूत्र में बंधकर आवाज उठाए। पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित कर तय रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए।